हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ेरोधा क्या है, ज़ेरोधा कैसे काम करता है वगैरह वगैरह क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस एक वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे कि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ज़ेरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है जो 2010 में स्थापित हुई थी। आज 2020 में ये 4% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ बैठी हुई है और ज़ेरोधा स्टॉक ब्रोकर में नंबर वन की पोजीशन बना चुका है। देखा जाए तो ज़ेरोधा डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है तो ये फ्लैट रेट ही चार्ज करते हैं, ये डिलीवरी रेट के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, वो फ्री है, जबकि इक्विटी ऑप्शन में ये 20 रुपये फ्लैट चार्ज लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जब कभी भी डीमेट अकाउंट की बात आती है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सी चार्जेस हैं जो कि वो पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर शेयर खान या अदर की बात कर ले या 5 पैसा की बात कर ले, आप किसी की भी बात कर लीजिए, ज़ेरोधा में आपको सबसे कम पैसे जो है वो लिए जाएंगे। रैशनल कॉल एंड ट्रेड के मुकाबले ऑनलाइन ट्रेडिंग काफ़ी सस्ता और सहूलियत प्रदान करने वाला है। ज़ेरोधा स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सस्ते दर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवा प्रोवाइड करवाता है। ज़ेरोधा में लॉ ब्रोकरेज के अलावा भी कई सारे अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे कि स्टॉक परफॉर्मेंस चार्ट सुविधा, एक्सपर्ट ओपिनियन, फास्ट ऑपरेटिंग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैब में सपोर्ट करने वाले अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग में दिक्कत आने पर क्विक एंड इजी सपोर्ट सिस्टम इनमें उपलब्ध होता है। यहाँ मैं पर्टिकुलर किसी एक को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आखिर ज़ेरोधा बाकियों से बेहतर क्यों है। इसी की रेस में आगे हम आपको बताएंगे कि आप खुद देख लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, वो 200 से 300 हो सकते हैं। अगर आप कमोडिटी को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर 200 रुपये आपके बच जाएंगे, वहाँ 500 रुपये मैक्सिमम होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पर 1800 रुपये आपसे जो है या 1500 रुपये आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं, ज़्यादातर 1000 रुपये तो होते ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये हो जाता है कि यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपनिंग का आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस जो है वो नहीं देना पड़ता है और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज़ेरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खोलने का अगला फ़ायदा। तो दोस्तों, डीमेट अकाउंट को मेंटेनेंस चार्ज, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उसको मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, वो अगर आप अदर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है 400 से 500 रुपए के बीच में सही रहता है, फिर इससे ज़्यादा भी वो हो सकता है। लेकिन ज़ेरोधा की बात करें तो आपको केवल 300 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई डीमेट अकाउंट की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बातें, तो आप देख ही सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर ज़ेरोधा में आपको केवल 300 रुपए ही पे करने पड़ेंगे और अदर में आपको 450 से ज्यादा का भी भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर ज़ेरोधा के अंदर आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है और अदर में आपको 0.5% जो है वो पे करना पड़ता है। बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको औरों के मुकाबले ज़ेरोधा के साथ ज्यादा बेनिफिट्स नजर आता है। फ्रेंड्स, उससे पहले हम एक आपको बात बता दें कि इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी सही है, इसमें आपको कुछ भी बड़ा चढ़ा के या कुछ भी छुपा के नहीं बताया गया है। तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इंट्राडे में आप देख सकते हैं कि ज़ेरोधा में आपको 0.01% और 20 रुपये पर ट्रेड देना होगा। अगर आप सेल और बाय दोनों मिला देंगे तो आपको 40 रुपये देना होता है। अगर आप केवल सेल या फिर आप बाय कर रहे हैं तो केवल 20 रुपये आपको देना होगा। लेकिन अदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.1% आपको देना पड़ता है और जब आपका अमाउंट बड़ा होता है तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा बन जाता है और इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता है। आप इस बात को थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिएगा, तब आपको पता चलेगा और ज़ेरोधा के साथ भी
तब आपको पता चलेगा। और ज़रोधा के साथ भी आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, उसके बाद IPO भी ले सकते हैं, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बात करें अगर ज़रोधा के अंदर प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट काइट का 3.0 वर्जन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो चार्ट है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, और इंट्राडे भी आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो एरर होता है वो ना के बराबर होता है, यहां आपको एरर की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन ज़रोधा डीमैट अकाउंट के मामले में वो औरों से काफ़ी बेस्ट नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप शेर खान या कोई अदर आप ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर कुछ लालच दे दी जाती है कि हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी, आपको सपोर्ट आएगा, इस तरीके की बातें की जाती है। तो फ्रेंड्स कॉल सपोर्ट क्या होता है, क्या होता है कॉल सपोर्ट? तो उस जगह आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ वहाँ पर स्टॉक आपको रिकमेंड कर देंगे। आप खुद सोचिए कि उनके रिकमेंड किए हुए स्टॉक में कितने लोग करोड़पति बने हैं, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो उनके स्टॉक रिकमेंडेशन में करोड़पति बने हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी और के सजेशन के ऊपर अपने अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका पैसा जो आपने लगाया है वो नुकसान में ही गया है। हो सकता है कहीं कहीं बेनिफिट हुआ हो, बट मेनली यहाँ पे नुकसान ही होगा। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको कंपनी के बैकग्राउंड को रिसर्च करना सीखना होगा, आपको सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा कि हाँ यार कि ये बैंक जो है वो कुछ लाने वाला है, कुछ लगाने वाला है। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं होगी। अब अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। ज़्यादा इसके नुकसान नहीं है, फिर भी इसके एक दो नुकसान जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रोधा की कमियों की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी कि आप ये खरीद लो, ये आपके लिए बेस्ट है, या फिर ये ले लीजिए। बट इन माय ओपिनियन ये कोई खोट नहीं है, ये कोई कमी नहीं है। अच्छा ये है कि आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं आएगी, क्योंकि आपको फालतू में कोई भी स्टॉक रिकमेंडेड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोगों को नुकसान ही झेलना पड़ता है। बिकॉज रिकमेंडेशन पर स्टॉक बाय करने पर बहुत कम लोगों को प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ज़रोधा में आपको बेनिफिट ही हो रहा है, मेरे हिसाब से नुकसान तो आपको कहीं भी नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई नोटिफिकेशन, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।